नमस्कार, मैं सिद्धार्थ चावला लेकर आया हूँ आपके सामने मुबारक अंसारी, ए ग्रेट स्नेक सेवर। तो मुबारक जी, अपने बारे में कुछ बताइए, सब लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप तो यूट्यूब पे इतना फेमस है जी, मिलियन मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं जी, और आप सांपों के बारे में इतना एडुकेट करते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। तो पहले आप अपने बारे में बताइए। सर, हम मुबारक अंसारी झारखंड धनबाद जिला के अंतर्गत अवस्थित पंचेत डैम निरसा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। बचपन से ही रुचि थी कि कुछ ऐसा काम करें जो लोगों के दिलों में राज करें। तो पहले क्लास में जब हम पढ़ते थे तो हुरहुरुआ सांप, जिसको बंगला में हेले सांप कहते हैं, वो घुस गया था। तो पूंछी से पकड़ करके हमने बाहर निकाल दिया सर, और ये सिलसिला आज तक जारी है। लोगों के सूचना पर ही घर, दफ्तर, दुकान, मकान कुआं में गिर जाए, मछली के जाल में सांप फंस जाए, तो उन लोगों को रेस्क्यू करके पुनर्वास हेतु जंगलों में, पहाड़ियों में, खास करके एक नेचुरल वातावरण में छोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ये धीरे धीरे विलुप्त के कगार में है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर सांपों को बचाएं। सही बात है, आपकी सोच बहुत बढ़िया सोच है। तो आप अपने बारे में तो कुछ बताए नहीं, इसमें आपका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं? हमारा बैकग्राउंड सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। हमारे मम्मी हैं, पापा हैं, 6 भाई हैं, 4 बहन हैं, है ना। और शुरू से ही रुचि रहा, क्योंकि ज्योग्राफी चैनल, डिस्कवरी चैनल में देखते थे डॉक्टर ब्रेडी बार, जेरी मार्टिन, रेमुलस वेटेकर, अशोक कैप्टन जैसे महारथी लोग। आज की बात नहीं कर रहे हैं हम, 80 के दशक की बात कर रहे हैं। मेरा एज ही हो गया 51 साल। 1980 में हम लोग देखा करते थे कि अरे उनका टीवी में आ रहा है, उनका आ रहा है, तो क्यों ना कभी मौका मिले तो हमारा भी आ जाए। जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो ये सिलसिला धीरे धीरे जारी रहा और आज इस मुकाम में है कि YouTube है, YouTube के माध्यम से करोड़ों लोग हमें जानते हैं। अभी हमारे पास लगभग 12 लाख सब्सक्राइबर है, और जितने भी सब्सक्राइबर को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप ही लोग जो हैं हमारे सा अन्नदाता हैं, हमारे अन्नदाता कहें चाहे हमारे माने बहुत करीब है, जो हमारे वीडियो से प्रभावित होकर लोगों तक शेयर करते हैं। आपका बैकग्राउंड मतलब स्कूलिंग वगैरह सब यहीं से आपकी? हाँ हाँ सर, हम पंचेत में ही पले बढ़े, हॉस्पिटल में जन्म, DBC खास करके यहीं बाजू में है, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, SB स्कूल, और पंचेत से थोड़ा सा दूरी में माइथन डैम अवस्थित है जहाँ BSK कॉलेज है, भोला शंकर खरकिया कॉलेज में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। उसके बाद सर मन लगा ही नहीं पढ़ाई में। संस्कृत वगैरह भी आप जानते हैं? जी, जी 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 जी, संस्कृत से ही मैट्रिक का परीक्षा दी है। नाम भले मुबारक अंसारी है, तो हमें जय श्री राम बोलने में भी कोई परहेज नहीं है और अल्लाह अकबर बोलने में भी कोई परहेज नहीं है। और कुछ सुनाइए। ये तो अपना मन का विचार है इंसान के अंदर में। हम मजहब को 2 भागों में नहीं बांटना चाहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में है सब भाई भाई, ये हमारा हमेशा कॉन्सेप्ट रहा। तो फिर शादी वगैरह भी यहीं से? हाँ सर, जब हमारी शादी हो रही थी तो हमने जिससे मैरिज हम कर रहे थे उनको हमने बोला कि देखिए एक बड़ा खराब हॉबी है ये, आप पहले जान लो, आप पहले इसको जान लो, समझ लो कि चूंकि हम सांप बचाने का अभियान से जुड़े हुए हैं, फिर आप मैरिज हो जाने के बाद फिर ये अभियान कहीं बंद हो जाए तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लोग फिर एक सोचेंगे कि मुबारक देखो शुरू से ही बचपन से ही जीव जंतु को बचा रहा था, अचानक बंद क्यों कर दिया। तो हमारी जो पत्नी है वो बोला नहीं, कोई ऐसा बाधा नहीं आएगा। आज हमारे पास एक बिटिया है जो लगभग 20 साल की है, वो साइंस लेके पढ़ती है, और हमारा खुद का मानना है कि मेरे नाम से मेरी बिटिया को आज लोग जान रहे हैं, कल दिन जब हम बूढ़े हो जाएं तो बिटिया के नाम से हमें लोग जाने। बढ़िया बात। इसलिए साथियों, नारी को सम्मान दीजिए, बेटियों को सम्मान दीजिए, हर महिला को आप सम्मान दीजिए, चूंकि आज ना नारी होती ना मुबारक का जन्म होता। सही बात। इसलिए हमारे तमाम वर्ल्ड के जितने भी महिला, नारी, समाज से जो भी बहन, दीदी, बोदी, जो भी आप देख रहे इस वीडियो को, उनको एक बार हम हाथ जोड़ करके साक्षात नमस्कार, सलाम अलैकुम बोलना चाहते हैं, ताकि आप लोगों का ही चलते आज यहाँ तक हम पहुँचे। सही बात है। तो मुबारक जी, ये तो आप अपना चाइल्डहुड बता दिए, शादी कैसे किए ये बता दिए, आपका ऐसा काम क्या है? हम सर मोटर मैकेनिक हैं, गाड़ी बनाते हैं। एक ज़माना था
अभी वो तो काम हमारा स्टाफ लोग करता है, 2 रुपया 5 रुपया का चलते गाड़ी मरम्मत करना, गाड़ी को धुलाई करना, गाड़ी का सर्विसिंग करना आज भी हम जारी रखें, ये काम हमारा बंद नहीं है, उसी से ही रोजी रोटी चलता है। और जब से यूट्यूब आया कुछ लोगों ने बोला कि आप वीडियो डालो ना, तो आपका ब्रेड एंड बटर बेसिकली जी जी मोटर मैकेनिक है सर, 2 चक्का गाड़ी का मरम्मत का दुकान है, सच बताना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन जी 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 बोल बता तो रहना कि किसी का हवा डाल दिए तो 1 रुपया मिल गया, किसी का पंचर बना दिए तो 10-20 रुपया मिल गया, तो यहीं से सर धीरे धीरे आगे तक गए हैं। अब ये जो आप वीडियो वगैरह बनाते हैं जी जी जी, तो इससे भी तो आपको कुछ बेनिफिट होता है? हाँ सर, हाँ, अब 2016 से हम वीडियो डाल रहे हैं, अर्निंग अच्छा होता था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा सर उस समय से कभी 20,000 कभी 25,000 कभी 15,000 कहीं ना कहीं सभी का गड़बड़ाया है, हर यूट्यूबर का गड़बड़ाया है। और यूट्यूब इतना ज़्यादा टफ कर दिया है ना, यूट्यूब पॉलिसी जो है इतना ज़्यादा नियम जो इतना कड़ा कर दिया है जिससे अच्छे अच्छे लोग यूट्यूब में टिक नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोशिश है कि चलो अरे सब डाल रहा हम भी डालेंगे, अगर बढ़िया प्रदर्शन रहा तो लोग देखेंगे। ये आपके हुलिया का राज क्या है सर? शुरू से ही बचपन से ही सजने सवरने का शौक है सर। आप तो बहरूपिया है आप लोग हमें जोकड़ कहते हैं, तो चलो एक जोकड़ का काम है। हमने एक फिल्म देखा था मेरा नाम जोकड़, उसका मम्मी पापा देखिए अंत में मर जा रहा है, लेकिन मरते मरते जोकड़ अपना काम कर जा रहा, हंसा रहा लोगों का। आज का डेट में भैया अगर मेरी बात मान लो, अगर दिन भर में 10-20 आदमी को अगर आप हंसा दिए तो इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। नहीं, आपका शौक है? एक हमारा शौक है सर सजने सवरना। ये भी देखिएगा तो ये तो है ही है इधर, एक तो आप तो खैर एक बैंकॉक से एक चश्मा हमारे बड़े भाई ने ला दिया है, देखिए ये चश्मा सबसे आधुनिक है, इसमें क्या है राज, ये बोला मुबारक के लिए ही ये होगा, देखिए कितना किस्म का सर इसमें सिस्टम लागू है, और बाकी इसमें बहुत सारे चश्मे हैं। तो शुरू से ही लोग कहते हैं कि आप इस तरह बहरूपिया के शक्ल में क्यों रहते हैं, तो हमने बताया कि भाई यही हमें पसंद है, और जिस तरह लोगों का पसंद है वो करना चाहिए लोगों को, जो लोग नहीं, सही बात है। जी जी, जो आज से आपका कुछ पसंद है तो वो करना चाहिए लोगों को, सही बात है। और ऐसे खाना पीना आप क्या मतलब? सर ज़्यादा रिच खाना नहीं खाते हैं सर, हाँ बस जो मिल जाए घर में, कभी कभी ऐसा भी हुआ है दौर कि नमक भात आलू चोखा भी खा लिए हैं। लॉकडाउन के टाइम पे तो आपका वीडियो देखे आप काफ़ी लोगों के जी जी, कर जी रहे थे। लॉकडाउन में कुछ पैसा हमारे पास था तो हम हर दिन 20-25 आदमी का खाना बनवाते थे यहीं पर, और क्या करते थे कि लोग छुआछूत करता था तो हम क्या करते थे चुपके से मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और देखिए कहाँ पर बैठा है तो फलाना चौराहा पर चुपचाप बैठा है तो वहाँ तक जा जा करके पैकेट सिस्टम से पैकेट बना बना के पहुँचा दें। ये दांत सोने का है? नहीं सर, ये बस ऐसे ही लगा ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड नहीं है, एक मेरा दोस्त लगाया था तो उसको बोले तो बोला अरे चलो ना लगवा देते हैं, ये पीतल है सर। बहुत शौकीन आदमी है, पीतल डायमंड क्या क्या लगा हुआ है ये भी देखिए, ये भी बोलिए तो 5 रुपया दाम है सर इसका। नहीं, रुपया का नहीं है, फिर भी कैरी करने वाला चाहिए। जी 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 जी, बस शुरू से ही शौकीन है, शौकीन पालते हैं, और शौक पालना भी एक महंगा शौक है आज के डेट में। 3 दिन से मुबारक जी के पीछे मैं लगा हुआ हूँ, आज 4th दिन इनका इंटरव्यू करने का मौका मिला, टाइम ही नहीं अगले के पास, फोन पे फोन ही आता रहता है रात बेरात, कहाँ कहाँ। खैर इनके संग रेस्क्यू में हम लोग भी गए हैं 2-3 रेस्क्यू में, तो इतना घूमते ट्रैवलिंग करते तकलीफ नहीं होता? कोई तकलीफ नहीं है सर, हमारा एक उद्देश्य है सांपों को इंसानों से बचाना और इंसानों को सांपों से बचाना। और जो समाज के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है क्या है, हम मुरली वाले हौसला उत्तर प्रदेश अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास है, क्योंकि 24 करोड़ का पॉपुलेशन में आज भी वहां लोग ओझा गुनी झाड़ फूंक मौलवी मलोना तंत्र मंत्र के चक्कर में सांप काट लिया चले गए कहां, अमवा वाली सती माई के मंदिर, अरे जहरीला सांप काटा है या बिना जहर वाला, आप हॉस्पिटल जाओ बिना जहर वाला है तो लोग क्या है, आप लोगों से दूरी बनाए तो क्या है, एक दूरी बन गया तो डर नहीं लगेगा, और हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपको तो ये तो दिमाग में आ गया कि आप तो इंजेक्शन लग जाएगा। तो हमारे भारत में लगभग सांपों की 270 प्रजातियां पाई जाती है जिसमें 6 ही जहरीले सांप है।
आपको कभी जहरीले सांप ने काटा है? नहीं सर, अभी तक हमको सांप नहीं काटा है, और हम थोड़ा बच बच करके रहते हैं। काहे कि देखिए, कलकत्ता से हिंदुस्तान टाइम्स आया, दिल्ली से इंडिया टीवी आया, आज तक सहारा समय, लोकल में आनंदो बाजार, जितने भी न्यूज चैनल है सभी आए हैं, सभी का सम्मान किए हैं। पत्रकार क्या है, जर्नलिस्ट, प्रेस क्या है, समाज का एक आईना है। सही बात है। वो एक छोटा सा नीचे तबका आदमी को धीरे धीरे, जब हमारा शुरू में नाम छपा था, सर हम अपनी बात कर रहे हैं, लगभग 91-92 की बात कर रहे हैं, तो हमारा लगा कि अरे क्या हो गया, पेपर में नाम, अखबार में नाम, अब खुशी से मने रहा नहीं जा रहा, पेपर लेके साइकिल में बैठ के जगह जगह चौराहे में हम लोग को दिखला रहे हैं कि देखो मेरा पेपर में नाम आ गया है। अब तो कॉमन हो गया। अब सर क्या बोला जाए, अब तो जैसे है आपकी बाइक में हम लोग घूम रहे थे, तो पब्लिक ऐसे ऐसे देख रहा हम लोगों को, क्या किया जाए, सबका ये सर आप लोगों का प्यार है। समझ में नहीं आया कि वो मेरा हुलिया देख के देख रहा है कि आपके बाइक को देख रहा प्यार है। हम जिससे भी मिलते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके दिल में राज करे। मुंह, ये जो मुंह का शब्द है ना, ये इंसान को बादशाह बना देता है। अगर मेरा बिहेव आपके प्रति अगर खराब रहा, लैंग्वेज कहीं खराब निकल गया, तो सर हम चाह के भी करोड़ों रुपया अगर हम दे भी दे, तो हम आपके दिल में राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मुंह से अगर बोली, अगर हमारा सारा चीज ठीक है, तो आपको लगेगा अरे चलो ना यार, कम से कम बातचीत तो सही ढंग का करता है, कुछ नहीं दे पाया, कम से कम इज्जत तो किया, सम्मान तो किया। तो इंसान का शब्द ही इंसान को बादशाह बना देता है। घर वाले डरते नहीं है? घर वाले तो मम्मी पापा शुरू में बोलते थे कि ये क्या कर रहा है, तो हम बोला अरे ये भी एक काम है, ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल में इक्का दुक्का लोग करते हैं, और हम पूरे सेफ्टी के साथ, हमारा यूथ, युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ लेते हैं, वीडियो में देखे होंगे कि रेस्क्यू टॉन्ग, रेस्क्यू यू हुक से ही करें, और नहीं तो सर ये काम मत करें, मम्मी पापा के लिए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलम उठाएं, कलम में इतना ही ताकत है कि आपको बुलंदी तक ले जाएगा। ये भी एक नशा है सांप पकड़ने का। जी, और जिसको जिसको लगा है वो काफी बड़े बड़े लोग बन गए, जैसे वावा सुरेश है अपने, जी जी जी, हाँ आप है, जी, और वो महाराष्ट्र से उनका क्या, आकाश यादव, आकाश यादव, बापीदा है, बापीदा है, मुरली वाले हैं, हमारे भी एक सेवर है, अच्छा काम कर रहे हैं अपने समय में, अपना जम ये में। लेकिन हम युवा पीढ़ी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले लो, जब करना ही है। अरे 50,000 का हम मोबाइल खरीद रहे हैं, 20,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन 4,000 का रेस्क्यू टोंग क्यों नहीं ले ले? और नहीं तो टोंग मोंग को फेंकिए, एक कलम लीजिए और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए। सही बात है। और नहीं तो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके कीजिए, बापीदा यहाँ ट्रेनिंग मिलता है बाजप्ता, आप जाइए, नहीं समझ में आए हमें आप फोन कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9333320555 पर कॉल करें, और सांपों की जानकारी के साथ साथ बापीदा का एड्रेस ले ले, ताकि वहां पर आप सांप से जुड़ा तो हुआ इलाज भी करते हैं। जी 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 जी, बापीदा अलग चीज, नर्सिंग होम टाइप का कुछ, इंडिया लेवल पर अगर आप खोजा जाए तो बापीदा नंबर वन पर है। हम लोग तो सर सिर्फ सांप बचा रहे हैं ना, बापीदा स्नैक बाइट का इलाज भी करते हैं। सही बात है। ये तो मुबारक जी के बारे में आपने जाना, अब मुबारक जी ने फिर हुलिया बदल लिया। हमने तो पहले ही बताया था कि हम तो जोकर हैं, पर अब कुछ सीरियस बात किया जाए मुबारक जी। जी जी सर, अभी रिसेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको सुनने में आया? जी जी जी, क्या हो रहा है? देखिए, जब इंसान का कद काठी जब बढ़ने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिक सर प्रॉब्लम आएगा। वन विभाग धनबाद, फॉरेस्टर वन विभाग तोपचांची से एक चिट्ठी जारी हुआ है हम पर कि आप सांप को क्यों पकड़ते हैं, सांप पकड़ना ही है, हंटिंग का श्रेणी में आता है। तो हमने वन विभाग को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर अगर हम रेस्क्यू नहीं करेंगे तो ये मर जाएगा सर, अगर मर जाएगा तो, चूंकि हम जंतु प्रेमी इंसान, हमें तकलीफ होती है, कोई जीव जंतु सांप को मारता है तो हमें दर्द महसूस होती है, तो आप एक ऐसा नंबर दें हमें, आप हमें रोकना चाह रहे हैं तो आपको ऐसा एक नंबर दीजिए, अपने स्टाफ का हो, ऑफिस का हो, या वन विभाग का, जो पूरे धनबाद में घूम घूम कर सांपों का रेस्क्यू करें और पुनर्वास हेतु इसे कोई सेंचुरी में छोड़ें। ये प्रॉब्लम तो सभी स्नेक सेवर को आता होगा? देखिए सर, सभी का नहीं आता है, कुछ ऐसे प्रतिद्वंदी लोग हैं जो ऊपर तक हम लोगों का खिंचाई करने में भी
पीछे नहीं रहते हैं। जैसे आकाश सर महाराष्ट्र, उनका कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं, वो भी सांप बचा रहे हैं। अभी तो बाबा सुरेश को सांप ने काट दिया तो आईसीयू में थे, चीफ मिनिस्टर पहुंच गया संग संग। अरे पहुंचेंगे नहीं, जब वन विभाग में उस तरह का आदमी ही नहीं है जो रेस्क्यू का काम करे। हम अपनी बात कर रहे हैं सर, लगभग 2010 की बात कर रहे हैं। वन विभाग हमको बोला कि माइथन डैम में हनुमान जो है, क्या है, बड़ा साइज का लंगूर, वो लगभग 8-10 आदमी को इंजॉयड कर दिया है, तुमको जाके रेस्क्यू करना है। हम बोले सर आपकी बात सर आंखों पर। हम गया, पिंजड़ा लगाया, 3 दिन बाद करीब 5-7 ठो मंकी लॉक करके हजारीबाग जंगल में छोड़वाया। बीच बीच में, खास करके बीच बीच में जब भी वन विभाग को जरूरत पड़ता, अभी तक हम अपनी बात कर रहे हैं कि वन विभाग को कुछ भी नहीं तो लगभग 10 साल में जब जब वो बुलाता, हर साल 8-10 सांप को रेस्क्यू, कभी स्कूल के अंदर घुस गया, कभी कुआं में गिर गया। तो जब वन विभाग को प्रेशर जाता है तो वन विभाग हम पर प्रेशर बनाता है कि आप जाके रेस्क्यू करो। आप लोगों का कोई एसोसिएशन नहीं है? देखिए सर, हमारा एक वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सोसाइटी एनजीओ है, उस पर हम काम शुरू किए हैं। अब कोशिश करेंगे कि इसको और आगे तक बेहतर करने के लिए। और हम खुद वन एवं पर्यावरण मंत्री से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जैसा लोगों को पारा बेसिस पर रख लो, पारा बेसिस पर। पारा टीचर होता है? जी जी जी, झारखंड में क्या है, पारा टीचर है, क्या है, 5-7 हज़ार रुपया जीविका के लिए मिल जाता है। उसी तरह हम लोग को भी अगर 5-7 हज़ार रुपया मिल जाए तो उसमें पेट्रोल भी भरा लेंगे, और जहाँ जहाँ रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वन विभाग भेज रहा है, वहाँ वहाँ हम लोग रेस्क्यू करके इसे छोड़ देंगे। मतलब कोई बेनिफिट तो आप लोगों को मिलता नहीं? नहीं सर, कोई बेनिफिट हम लोगों से शुल्क नहीं लेते हैं सर, क्योंकि हम सोचे एक बार कि हम पैसा मांगेंगे लोगों से, तो देख रहे हैं कि एक पैसा वाला आदमी हमें 1,000-2,000 दे सकता है, लेकिन गरीब आदमी जो है वो हमें कुछ नहीं दे सकता है। निकलता तो कहीं ना कहीं गरीब लोग उसे मार डालेंगे। तो हमने बिल्कुल सर ये मुफ्त सेवा दिया है लोगों का, अपने एरिया में 30-40 किलोमीटर दायरे में बिल्कुल फ्री सेवा, कहीं भी आप पूछ सकते हैं सर। पूछेंगे जी जी। ऐसे आप लोगों का जितने स्नेक सेवर ऑल ओवर इंडिया, कोई एसोसिएशन वगैरह नहीं? देखिए सर, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हर स्नेक सेवर एक दूसरे से व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है कि चार पांच स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोकल लड़का लोगों को रखा है, लेकिन खास करके हाँ परमानेंट जॉब नहीं है, 5-7 हज़ार रुपया उन लोगों को देते हैं, है ना। लेकिन अभी तक हम खास करके वन एवं पर्यावरण विभाग रांची को चिट्ठी लिखे हैं, यहाँ तक कि वाइल्ड लाइफ चीफ को भी हमने चिट्ठी दिया और सामने बैठ के बातचीत भी हुई थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर 51 साल एज है, इसमें तो आप हमको नौकरी नहीं दीजिएगा, लेकिन पारा बेसिस पर रख लो सर, पारा बेसिस पर रखते हैं तो हमारा जीविका चलेगा। तो बोला अच्छा ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। मतलब ये आपके ऊपर पूरा प्रेशर है? जी जी जी, सब तरफ से। हाँ हाँ हाँ, हम दोनों साइड संभालते हैं, ये झारखंड है, बाजू में सर थोड़ा सा सामने अगर जाइए तो 10 किलोमीटर में वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस 70 किलोमीटर, अच्छा, और पंचायत का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस 52 किलोमीटर। हमने बताया DFO साहब को कि क्या सर आपका कोई आदमी भेजिएगा, क्योंकि बीच में ऐसा एक मामला उठा था कि आप एकदम बिल्कुल काम बंद कर दीजिए, तो हमने बंद कर दिया। तो बंद कर दिया तो लोग हमें बोलने लगे, तो हमने क्या किया, DFO साहब को नंबर दे दिया। DFO साहब का चूंकि नंबर था तो हमने उस नंबर को पब्लिक को दे दिया। पब्लिक जब फोन किया तो DSO साहब अंत में हमें फोन किया कि बाबा जाके सांप उप जो है यार पकड़ करके हटाओ ना, बहुत हमारा एकदम इतना माथा खराब हो गया, इतना कॉल आ रहा है। हमने सर हम पर जांच पड़ताल कीजिए, अगर हम गलत हैं, हम पर जांच पड़ताल कीजिए गुप्त रूप से, अगर हम गलत हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए यार, अगर हम सही काम कर रहे हैं, सही रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ रहे हैं। क्योंकि सर देखिए, ये स्नैक सेवर लोग होता है ना, इन लोग पर एलिगेशन लाइव भर लगा रहता है, कोई उपाय नहीं है। जैसे जैसे हमने आपको बताया कि कद काठी जब न्यूज़पेपर में, जब आपका टीवी पर आने लगेगा, तो ऑटोमेटिक अपने ही दोस्त, जब बुरा वक्त आएगा तो अपना ही दोस्त ढोल बजाने वाले मिलते हैं, कोई दूसरा आदमी नहीं मिलेगा, अपना ही दोस्त। जब जिंदगी कठिन नाच नचाती है तो ढोल बजाने वाले अपने ही मिलते हैं। सही बात है, यही मेरा मानना है। तो सर हम घबराए नहीं हैं, रेस्क्यू जारी रहेगा और अंतिम सांस तक रहेगा।
इसके लिए हमें जो भी सजा गवर्नमेंट दे, वाइल्ड लाइफ दे, ये मंजूर है, लेकिन हम वही सांप को रेस्क्यू करेंगे जो मुसीबत में है, जो कुआं में गिर गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं उठा रहा, जो मछली का जाल में फंस गया, तड़प के मर जाएगा, जो उठा नहीं रहा, छुड़ा नहीं रहा, जो लोगों के घर के अंदर घुस गया है, लोग उसे या तो मार देंगे या सांप उसे काट लेगा। आप हर वीडियो में देखते होंगे ओझागुनी झाड़ फूंक तंत्र मंत्र के चक्कर में ना रहे, हमेशा एंटी वेनम ले। स्नेक बाइट में एक ही वो कारगर इलाज है ABS, ये सर हमने डस्टबिन से लाया है सर, वीडियो बनाने का चक्कर में ये डस्टबिन का है। गवर्नमेंट खुद अपने ABS बनाती है और सरकारी सदर हॉस्पिटल में सप्लाई है, पब्लिक सप्लाई नहीं है। इसलिए लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि सांप काट ले तो आप हमेशा हॉस्पिटल का सहारा लो। उससे क्या होगा, अगर बिना जहर वाला भी काट लिया तो हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, क्योंकि 95% सांप जहरीले नहीं है और 95% लोगों के काटने के बाद लोग एक दूसरे को डरा देते हैं, शेरा वाला कहानी है, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। यही अटल सच्चाई है सर। सही बात है। तुम्हारे ये क्या है? ये सर रेड सेंट बोआ है सर, एक तरह का सांप है जिसे हम लोग इंग्लिश में रेड सेंट बोआ कहते हैं। करोड़ों का सांप? ये बिल्कुल अंधविश्वास है, यही तो जानना है लोगों को। युवा पीढ़ी क्या कर रहे हैं, सेंट बोआ के चक्कर में अपना लाइफ को बर्बाद कर दे रहे हैं। ये हमारे शत्रु नहीं है, ये खास करके गोहाल यानी जहाँ गाय बकरी भैंस बंधा रहता है वहाँ ये छुपे रहते हैं, छोटे छोटा चूहा को खा लेते हैं बड़ा आसानी से। और YouTube में हमने देखा है कि रेड सेंट बोआ करोड़ों में बिक रहा है, बिल्कुल अफवाह है, इस चीज़ पर बिल्कुल ना जाएं युवा पीढ़ी, ऐसा नहीं है। अगर करोड़ों का होता सर तो हम एक स्नेक से भरे, पैसा किसी को खराब लगता है? हमारे पास दो दो हेलीकॉप्टर रहता, बंगला में बाली बोड़ा, हिंदी में दो मुहा सांप, चूंकि पूंछ मुंह की तरह दिखता है, इस वर्ल्ड में दो मुंह का सांप सर पाया नहीं गया है। दो मुंह का आदमी होता है? दो मुंह का आदमी होता है, सुबह हमारा बात किसी दूसरे को बताया, शाम को उसका बात हमें बताया। ये बिल्कुल अफवाह है सर, लोगों के अंदर एक गलत मैसेज है, युवा पीढ़ी इस मैसेज से बचे। और खास करके ये जो है विलुप्त के कागार में है, इसे आप लोग भी मिलकर हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े और बचाने का काम करें। और सर ये सेंट बोआ जो होता है रेड सेंट बोआ, ये बच्चों को जन्म देती है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में 70% सांप अंडा देती है और 30% बच्चों को जन्म देती है। जैसे देखिए अभी तुरंत ये पॉट्टी किया है सर, कर रहा है, हाँ, पॉट्टी कर रहा है। दो चीज प्राणी का चालू होना चाहिए, खाना और दूसरा पैखाना। अगर ये बंद हो गया सर तो फिर चेन्नई हॉस्पिटल जाओ। सही बात है, ये मेरा मानना है। रेंड सेवा रेंड रेड सेंट बोआ बिल्कुल बिना जहर वाला सांप है, लोग इसे भी जहरीला मान लेते हैं, मार देते हैं। बिकता नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल, लेकिन न्यूज तो काफी आता है इसके पीछे के। देखिए वो सब मीडिया वाला लोग जानबूझ करके स्मगलिंग करता है। हाँ हाँ, ये बैकअप बनाने वाला काम है सर, ऐसा बिल्कुल भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम है। बड़ा ही प्यारा चीज है सर। दुनिया इस कीड़ा से डरती है और हमें इस कीड़ा से प्यार है, जिसका नाम है स्कॉर्पियन वेनमस। पकड़ना सर एक टेक्निक है सर, कहां सर ने पकड़ा है, देख रहे ना सर, ऐसे हाथ कीजिए ना, नहीं नहीं यकीन कीजिए नहीं काटेगा, विश्वास वो ठीक है। आप ऐसे कीजिए ना थोड़ा, वहां कैमरा। हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा, बिच्छू अगर डंक मार ले तो हम घरेलू उपाय बता रहे हैं, घरेलू एकदम। नहीं नहीं, आप उपाय बाद में बताइए, पहले उठा लीजिए। घरेलू उपाय बता रहे हैं, एक माचिस का तिल्ली ले लो भैया, माचिस का 10 ठो तिल्ली ले लो, 10 ठो, और वो सर जो बारूद होता है ना फास्फोरस, उसको छील के कागज में रख दो, डस्ट करके एक बूंद पानी मिला के टैबलेट बना लो और वहां लगा लो, जलन खत्म। लेकिन इंसान इतना लाइफ में जलन दे जाते हैं ना, कि उसका जलन सर खत्म नहीं होता। नहीं, वो तो कभी नहीं होने वाला। ये देख रहे हैं बंगला में खाखड़ा बिछे, हिंदी में बिच्छू, इंग्लिश में स्कॉर्पियन, लेकिन हमारी नकल ना करें, इस तरह
नकल के लिए भी अकल की बहुत जरूरत है। देख रहे ना, एक बहुत ही प्यारा कीड़ा है जिसे हम लोग बिच्छू के नाम से जानते हैं। यही इनका गैरेज है मुबारक जी का, यही सारा दिन बिताते हैं जी। सुबह आ जाते हैं। ये देखिए चार्जर मशीन है, ये होल्डिंग मशीन है, ये चार्जर है, ये एकदम लेटेस्ट मॉडल का न्यू वर्जन हवा मशीन है जिससे हम लोग पंचर इत्यादि बनाते हैं। और रोजी रोटी का जो जरिया है हमारा मोटर मैकेनिक रिपेयर दुकान है। डाउन टू अर्थ पर्सन है आप जी। जी बस असली काम मुबारक जी का यही है, बाइक रिपेयरिंग। ये उनका राइट हैंड है शरीयत, शरीयत भाई इधर हो। अब यही असली काम मुबारक जी का। और ये एक मुबारक जी एक नया चेला खोजे है, ट्रेन कर रहे हैं। बताओ यार अपने बारे में। हम मुबारक भैया का साथ रहते हैं, हम लोग दोनों मौसी का बेटा भाई है। हम लोग हम इसी से सांप पकड़ने सीखे हैं। हम जामताड़ा में ही सांप पकड़ते ज़्यादातर और सबको फ्री सर्विस देते। सब बोल दिया, नाम नहीं बोला अपना। मेरा नाम है किस्मत अंसारी। हाँ। रहते हैं जामताड़ा में, वहीं पर हम सांप पकड़ते हैं। कुआं में गिर गया, मछली के जाल में फंस गया, किसी के घर में घुस गया तो हम उसी को बचाव ही काम करते हैं, सांप उठा के फॉरेस्ट में रिलीज करते हैं। एक्चुअली जो जामताड़ा है झारखंड का एक ऐसा जिला है भैया, क्योंकि वो साइबर क्राइम इंडिया का एक पॉपुलर जगह, लेकिन सारे लोग साइबर क्राइम नहीं हो सकते हैं। अरे दो चार आदमी के लिए पूरा जामताड़ा बदनाम है। ठीक बात। जिस तरह एक बोरी आलू में अगर एक आलू खराब हो जाए तो सारा बोरी को रिजेक्ट कर देता, उसी तरह जामताड़ा नाम से ही अंदर क्या है खौफ हो जाता है, डर हो जाता है इंसान को। क्या ही? सारे लोग एक्चुअली मेरा मामा घर ही अपना है, मौसी घर है, मामा घर है। मामा लोग सब व्यापारी किस्म का इंसान है, लेकिन चंद लोगों के चलते झारखंड का जामताड़ा बदनाम है, धनबाद भी बदनाम है। क्योंकि हम धनबाद जिला में हैं और ये मौसी का बेटा जामताड़ा में है, तो कभी कभी लोग हम लोग को गुस्सा दिलाता है कि साला साइबर क्राइम वाला आदमी लोग है। ऐसा ऐसा नहीं है, अरे गैंग वासेपुर है आप लोग। जी 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 जी, गैंग ऑफ वासेपुर भी है धनबाद में। और बेसिकली हमारा जो अपना काम है मोटर मैकेनिक, गाड़ी बनाते हैं, मरम्मत का दुकान है। और आपको अगर बात करें तो देखा जाए तो एक हमें ऐसा लगता है कि 20-30 ईयर्स ओल्ड CD 100 CD 100 SS को एक नया लुक दिया गया है, एंटिक मॉडल जो है लगभग 30 साल पुरानी। और आप लोग बताइए कि कैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि इसे एक नया लुक रंगाई डेंटिंग पेंटिंग जिसे कहा जाए, इंजन का भी काम किए हैं। और जिसका है उन्होंने बताया कि इसे बेचना नहीं है हमें, इसी को ही बना दो, नया एक लुक दे दो ताकि इसी पे ही चलाएं। और ये CD 100 SS एक ज़माना था जब इसका काफ़ी बोलबाला था, आज ये मॉडल बंद हो चुका है। मेरा मुबारक जी के शॉप के सामने और आ रहे मुबारक जी। इतना हल्का महसूस हो रहा चला करके, क्योंकि भारी गाड़ी आदत सा हो गया है चला करके। और ये तो अपना है मुबारक जी का रेस्क्यू किया हुआ कोबरा है, आवाज कर रहा है। कितना बड़ा पंप है सर?
आज ही से हम लोग रेस्क्यू किए हैं, इसे प्राकृतिक प्रवेश में छोड़ देंगे। समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसे खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है, क्योंकि सांपों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण हर सांप को हम लोग जहरीला मान बैठते हैं और मार डालते हैं। कितने महीने का मुबारक जी? ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा सर, क्या होगा, मुश्किल से मुश्किल 3-4 महीने का बच्चा होगा सर। बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल। लो तो ये एपिसोड यहाँ पे खत्म। मुबारक नेक्स्ट सेवा।